हमारा टॉपिक है वचन, ठीक है, नंबर। आज हम इस पार्ट में क्या जानेंगे, वचन का क्या अर्थ होता है, इसके कितने प्रकार होते हैं, ठीक है, इसकी क्या पहचान होती है, ठीक है, विभक्ति रहित तथा विभक्ति सहित बहुवचन का परिचय, नित्य एक वचन और उनके बहुवचन क्या होते हैं, ठीक है, वचन हम कैसे बदलते हैं, उनके क्या नियम होते हैं, ठीक है, और कुछ जब कोई वाक्य गलत होता है तो उसमें वचन संबंधी कैसी गलतियां होती हैं वो भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। चलो यहाँ पर देखिए, नीचे दिए गए गद्यांश के रंगीन अंशों में कुछ अशुद्धियां रह गई हैं, आप इन अशुद्धियों को दूर कीजिए, ठीक है। इसमें कुछ अशुद्धियां हैं, मीन्स गलतियां हैं, उनको हम कैसे अलग करेंगे, हम पढ़ लेते हैं। पहले यह पुस्तकें आप देख रहे हैं, इन पुस्तक में बहुत सी रोचक कहानी है। देखो अभी पहला ही वाक्य पढ़ो, यह पुस्तकें नहीं होगी, यह क्या होगी, यह पुस्तकें होगी मैम, यह पुस्तक नहीं। उसमें जो रंगीन शब्द हैं वो गलत लिखे हुए हैं, उनको हमें सही करना है। तो यह पुस्तकें आप देख रहे हैं, यहाँ पर आएगा जो पुस्तकें आप देख रहे हैं, इन पुस्तकों में, पुस्तक की जगह आएगा पुस्तकों में बहुत सी रोचक कहानियां हैं, कहानी की जगह आएगा कहानियां। बचपन में ऐसी कहानियां पढ़ने का अलग ही मजा होता था, और इन्हें पढ़ने से, इसे नहीं आएगा, इन्हें पढ़ने से आपकी कल्पना शक्ति भी बढ़ती है। इस उम्र में प्रतिदिन एक एक पृष्ठों को, एक एक पृष्ठों को नहीं आएगा, पृष्ठ को आएगा। जब हमने एक एक लिखा है तो वहां पर पृष्ठों नहीं आएगा, पृष्ठ आएगा। पृष्ठ को पढ़ने से मात्रा व शब्द का ज्ञान भी सरलता से पढ़ने से मात्राओं और शब्दों का ज्ञान भी सरलता से हो जाता है, ठीक है। तो जब हम पढ़ते हैं तो हमें गलतियां पता चल जाती है कि हमने किसके साथ क्या लिखना है, ठीक है। यह नदी हिमालय से निकलती है, इस नदी में 12 महीनों पानी रहता है, इससे निकाली गई नहर से सिंचाई की जाती है, यह नहर खेतों में खड़ी फसल के लिए किसी वरदान से कम नहीं है, ठीक है। ऊपर दिए गए पहले गद्यांश में रंगीन यह नदी निकलती है, इस नदी, इससे नहर से, यह नहर फसल के लिए है आदि शब्दों के रूप में इनकी संख्या में एक होने का पता चल रहा है, इसलिए ये सभी शब्द एक वचन है, ठीक है। जबकि ये नदियां निकलती हैं, क्योंकि निकलती है, आप देखो यहाँ पर आप बोलोगे निकलती है और निकलती है, देखो यहाँ पर है पर बिंदी नहीं है और यहाँ पर है पर बिंदु है, तो जहां पर बिंदी आ जाए इसका मतलब वहां पर बहुवचन है और यहाँ पर बहुवचन नहीं है, ठीक है। तो इनसे हमें पता चलता है कि ये बहुवचन है, ठीक है। तो वचन की परिभाषा क्या होगी, शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का पता चलता है, शब्द के जिस रूप से एक या अनेक होने का पता चलता है उसे हम वचन कहते हैं, मतलब कि कोई भी वस्तु एक है या उससे ज्यादा है, ठीक है। वचन के दो भेद होते हैं, कौन कौन से, एक वचन और बहुवचन, ठीक है। वचन के कितने भेद होते हैं, दो भेद होते हैं। शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का पता चलता है उसे एक वचन कहते हैं, जबकि शब्द के जिस रूप से उसके अनेक होने का पता चलता है उसे हम बहुवचन कहते हैं। जैसे एक वचन में क्या आएगा, जैसे थैला है ना, घोड़ा, ठीक है, मकान, ये सब किसमें आएंगे, एक वचन में। जैसे ताले, चाबियां, ये सब किसमें आएंगे, बहुवचन में। मीन्स बहुत सारी चीजों का बोध करा रहे हैं तो ये सब किसमें आएंगे, बहुवचन में, ठीक है। अब बहुवचन दो प्रकार के होते हैं, अब देखिए कैसे बहुवचन होते हैं दो प्रकार के, सामान्य बहुवचन और विभक्ति युक्त, मतलब इनमें विभक्तियां होती हैं, वे बहुवचन। सामान्य कैसे होते हैं, सामान्य बहुवचन रूप में शब्द के आगे कुछ और नहीं आता, यानी कुछ और नहीं आता, बिना किसी सहारे के पूर्ण होता है, यानी कि किसी बिना किसी सहारे के पूर्ण होता है। जैसे पौधा, पौधे, दरवाजा, दरवाजे, फल, फल, फल का बहुवचन फल ही होता है, ठीक है,
मेज मेजे, ठीक है, इस तरह। विभक्ति युक्त बहुवचन क्या होते हैं, जैसे पौधा पौधों को, पौधों से, दरवाजा दरवाजों में, दरवाजों पर, फलों से, फलों के, मेजों की, मेजों को, इस तरह से, मतलब उनमें विभक्तियां जुड़ जाती हैं। जैसे हम कोई वाक्य बोलते हैं, जैसे जैसे उसने फलों को रख दिया, फलों को रख दिया, या उसने फलों को धो दिया, इस तरह उनमें विभक्ति लगाकर हम उनका बहुवचन लिखते हैं, ठीक है। वचन की पहचान क्या होती है, आप देखिए वचन की पहचान क्या होती है। वचन में की पहचान दो प्रकार से होती है, संज्ञा व सर्वनाम शब्दों के द्वारा। कैसे करते हैं, वाक्य में कर्ता का कार्य कर रहे संज्ञा व सर्वनाम शब्द एक या अनेक का बोध कराते हैं। कैसे, जैसे बच्चा पतंग उड़ा रहा है, ठीक है, यह घोड़ा तेज दौड़ेगा, मैं बांसुरी बजा रहा था। मतलब यहाँ पर बच्चा क्या है, संज्ञा है, घोड़ा क्या है, संज्ञा है, मैं क्या है, यहाँ पर सर्वनाम है। तो इनसे हमें पता चल रहा है कि ये सब क्या है, क्या है, एक वचन है, क्या है, एक वचन है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, बच्चे, ये घोड़े, हम, ये यहाँ पर किसका बोध करा रहे हैं, बहुवचन का, किसका बोध करा रहे हैं, बहुवचन का, ठीक है। ये घोड़े क्या हो गया, संज्ञा, बच्चे संज्ञा, हम क्या हो गया, सर्वनाम, ठीक है। तो ये इनसे हमें पता चल जाता है कि ये एक वचन है या बहुवचन है, संज्ञा से, सर्वनाम से, है ना। फिर क्रियाओं से भी पता चलता है कि हमें ये कि एक वचन है या बहुवचन है। कैसे पता करते हैं हम कि क्रिया से, जैसे अकारांत पुल्लिंग शब्दों, जैसे छाता, गमला आदि को छोड़कर बाकी पुल्लिंग शब्दों को एक वचन में बहुवचन रूप समान होते हैं, ऐसे कर्ताओं के साथ उनकी क्रिया को देखकर उनके वचन की पहचान की जाती है। जैसे एक वचन वाले वाक्य क्या होते हैं, यह है पेड़ छायादार है, ठीक है, यह है पेड़ छायादार है, ये पेड़ छायादार है, ठीक है, यह पेड़ छायादार है, ये पेड़ छायादार है। यहाँ पर देखो, है हाथी नदी में नहा रहा है, हाथी नदी में नहा रहे हैं, ठीक है, क्रिया से पता चल रहा है नहा रहे हैं। यहाँ पर देखो, हाथी नदी में नहा रहा है, हाथी नदी में नहा रहे हैं, तो हमें यहाँ पर किससे पता चल रहा है कि ये बहुवचन है, किससे पता चल रहा है, नम क्रिया से, क्रिया से, क्रिया से पता चल रहा है, ठीक है। तो हम किस किस से पहचान करते हैं, अभी हमने किससे पढ़ा, संज्ञा से, सर्वनाम से, क्रिया से, ठीक है। उसके बाद नित्य एकवचन तथा नित्य बहुवचन शब्द क्या होते हैं, नित्य एक वचन शब्द क्या होते हैं। कुछ शब्द सदैव एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा एक वचन में ही प्रयोग किए जाते हैं, जैसे दूध, दही, घी, खीर, है ना, जैसे दूध गिर गया, ऐसे बोलते हैं ना, ऐसे तो नहीं बोलते दूध गिर गए, ऐसे तो नहीं बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, दूध गिर गया, दूध बिखर गया, है ना। पानी बह रहा है, पानी भी एक वचन में आता है, पानी बह रहा है, ऐसे को नहीं बोलेंगे पानी बह रहे हैं, तो पानी बह रहा है, ये हमेशा नित्य का मतलब, हमें मतलब ये हमेशा किसमें होते हैं, एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं, इनका बहुवचन में कोई प्रयोग नहीं होता है, हमेशा एक वचन में ही प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। जैसे भीड़, सभा, जनता, ठीक है, ये सब। उसके हाथ से खीर गिर गई, भीड़ बेकाबू होती जा रही थी, लोगों से हंसी नहीं रोकी गई, ये सब एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। और इसमें कुछ विशेष दिया है, अधिकतर नित्य एक वचन शब्द द्रव्यवाचक या भाववाचक संज्ञा होते हैं, ठीक है, जो नित्य एक वचन होते हैं ज्यादातर भाववाचक संज्ञा में होते हैं या धातुओं में, द्रव्य में होते हैं, धातुओं में होते हैं, ठीक है। अब नित्य बहुवचन शब्द कौन कौन से होते हैं, सदैव बहुवचन में प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को नित्य बहुवचन कहा जाता है, जैसे आंसू, अब हम ऐसे बोलते हैं आंसू निकल गए, अब ऐसे थोड़ी बोलेगा आंसू निकल गया,
ऐसे थोड़ी बोलेंगे आंसू निकल गए, कैसे बोलेंगे आंसू निकल गए, ठीक है। मीन्स आंसू को हमने किसमें प्रयोग किया है, बहुवचन में, किसमें प्रयोग किया है बहुवचन में, जैसे दर्शन, जैसे हमने भगवान के दर्शन किए, अब हम ऐसे तो नहीं बोलेंगे हमने भगवान का दर्शन किया, ऐसे बोलेंगे हमने भगवान के दर्शन किए, मीन्स इसको भी हमने बहुवचन में प्रयोग किया है। जैसे उसके प्राण निकल गए, ऐसे तो नहीं बोलेंगे उसके प्राण निकल गया, उसका प्राण निकल गया, उसके प्राण निकल गए, मतलब तो प्राण को किसमें प्रयोग किया है बहुवचन में, ठीक है। तो ये जो शब्द दिए हैं यहाँ पर, ये हमेशा किसमें प्रयोग होते हैं बहुवचन में, ठीक है। उसके बाद कुछ नियम दिए गए हैं नीचे, जैसे आदर तथा सम्मान का भाव देने के लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जैसे हम बहुवचन में तो लिखते ही हैं, बिंदी लगाते ही हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है आदर और सम्मान का भाव देने के लिए भी बहुवचन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जैसे पापा दादाजी से फोन पर बात कर रहे हैं, ठीक है, कर रहे हैं, यहाँ पर बहुवचन का प्रयोग किया है ना हमने उनको, इसलिए अब ये नहीं कि पापा बहुत सारे हैं तो इसलिए हमने बहुवचन का प्रयोग किया, नहीं, पापा को हमने सम्मान देने के लिए, उनका आदर प्रकट करने के लिए हमने यहाँ पर बहुवचन का प्रयोग किया है, ठीक है। नाना जी हमारे लिए गांव से बहुत सारा सामान लेकर, नानी जी हमारे लिए गांव से बहुत सारा सामान लेकर आई है, है पर बिंदी आएगी, ये ध्यान रखना, है हम सम्मान दे रहे हैं तो बिंदी आएगी, ठीक है। ऐसी बात कर रहे हैं, है पर बिंदी आएगी, ये नहीं है, है और है दोनों में अंतर है, समझ रही हो ना। अभी हमने पहले पढ़ा है यहाँ पर, जैसे यहाँ पर हमने पढ़ा था जैसे हाथी नदी में नहा रहा है, हाथी नदी में नहा रहे हैं, तो है पर क्या आएगी बिंदी। ये तुम ध्यान रखना इन चीजों का, जब भी हम किसी का सम्मान प्रकट कर रहे हैं तो वहां पर है पर बिंदी अवश्य आएगी, जरूर आएगी, ठीक है। उसके बाद एक वचन आकारांत पुल्लिंग शब्द, जैसे घोड़ा पंखा आदि के आगे अगर कोई विभक्ति आती है, विभक्ति के, विभक्ति क्या, विभक्ति चिन्ह, मतलब जैसे ने, है ना, ने को से के द्वारा, ये सब विभक्ति चिन्ह होते हैं, कर्ता ने कर को, करण से संप्रदान के लिए उपादान से अलग, ये जो विभक्ति चिन्ह होते हैं, जब इनके साथ अगर कोई शब्द आता है तो ये शब्द एक वचन रूप के समान प्रयोग किए जाते हैं, इस प्रयोग को व्याकरण में त्रियक प्रयोग कहा जाता है। जैसे इस घोड़े की चाल बहुत तेज है, सॉरी, इस घोड़ा की चाल बहुत तेज है, ठीक है, तो ये अशुद्ध माना जाएगा, ऐसे थोड़ी लिखेंगे इस घोड़ा की चाल बहुत तेज है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे इस घोड़े की चाल बहुत तेज है, ठीक है, मतलब उसको विभक्ति चिन्ह के अनुसार, मतलब जो विभक्ति होती है, विभक्तियां होती है, उनके अनुसार हम उसको लिखेंगे। इस पंखा को अभी मत चलाओ, ऐसे थोड़ी बोलेंगे तो गलत हो गया, इस पंखे को अभी मत चलाओ, हम इस तरह बोलेंगे, ठीक है। प्रत्येक और हरेक शब्दों का प्रयोग सदा एक वचन में ही किया जाता है, जो प्रत्येक और हरेक शब्द होते हैं, मतलब जो शब्द होते हैं, प्रत्येक शब्द होता है और हरेक शब्द होता है, इनको हमेशा एक वचन में ही प्रयोग किया जाता है। जैसे इस प्रतियोगिता में प्रत्येक प्रतिभागी 3 मिनट में अपने विचार प्रस्तुत करेगा, ठीक है, आप में से हरेक कल से सही समय पर आएगा, मतलब जो ये 2 शब्द हैं, ये किसमें आते हैं एक वचन में, ठीक है। प्रत्येक अगर हम शब्द लिख रहे हैं तो उसके साथ हम एक वचन का प्रयोग ही करेंगे, ठीक है। शब्दों का प्रयोग प्राय एक वचन में होता है, किंतु यदि द्रव्यवाचक संज्ञा से अधिक हो तो यह बहुवचन के रूप में ही प्रयोग किया जाता है। जैसे आज उन्होंने 10 तोले सोना खरीदा है, वे यहाँ से सोना चांदी हीरे आदि खरीदेंगे, ठीक है। संबोधन के समय ओ का प्रयोग न करके ओ का प्रयोग ही करना चाहिए, जैसे यहाँ पर विभक्ति बहुवचन में ओ का प्रयोग होता है, जैसे बच्चों को परीक्षा की सूचना दे दी गई है, इसी सभी सम्मानित सदस्यों को ईमेल से सूचना भेज दी गई है, मेरे साथियों ने अपनी समस्याएं खुद
खुद हल की है। ठीक है, विशेष जानकारी में क्या दिया है, चंद्र बिंदु की जगह बिंदी के प्रयोग की अशुद्धि, पत्रिकाओं में बहुवचन रूपों में चंद्र बिंदु के स्थान पर बिंदी का ही प्रयोग किया जाने लगा है, जैसे लॉकडाउन में मूल्य से अधिक महंगे दाम लेने वालों पर पुलिस ने कसा शिकंजा, यह प्रयोग बिल्कुल भी उचित नहीं है, हमें बहुवचन में नियम अनुसार चंद्र बिंदु का ही प्रयोग करना चाहिए, जैसे लॉकडाउन में मूल्य से अधिक महंगे दाम लेने वालों पर पुलिस ने कसा शिकंजा, जैसे यहाँ पर महंगे पर चंद्र बिंदु नहीं लगा है, कई बार हम चंद्र बिंदु की अशुद्धियां कर देते हैं, तो हमें उनको सही तरीके से लगाना चाहिए। ठीक है, अब वचन बदलने के कुछ नियम दिए गए हैं कि हम वचन कैसे बदलते हैं, आप ये उसमें रहते हैं कंफ्यूजन में कि कहाँ पर हम बिंदी लगाएं, कहाँ पर हम बिंदी ना लगाएं, कहाँ पर ओ लगाएं, कहाँ पर आ या लगाएं, ये सब क्या होते हैं, इनके नियम होते हैं जो कि आपको पढ़ने पड़ेंगे तभी आपको आ पाएंगे। ठीक है, जैसे ए छोटा ई बड़ी ई, ऊ से अंत होने वाले पुल्लिंग शब्दों का सामान्य बहुवचन रूप उनके एक वचन रूप के समान ही रहता है ना, अकारांत इकारांत, जैसे अकारांत पेड़, इकारांत कवि, और इकारांत हाथी, उकारांत साधु, ये जो शब्द होते हैं बहुवचन रूप एक वचन के समान ही रहता है, जैसे यह पेड़ हरा भरा है ना, तो ये पेड़ हरे भरे हैं, मतलब बहुवचन में इसको प्रयोग किया, लेकिन पेड़ और पेड़ ये दोनों एक वचन में भी एक जैसे रहे और बहुवचन में भी एक जैसे रहे। ठीक है, यह व्यक्ति यहाँ क्यों खड़ा है, ये व्यक्ति यहाँ क्यों खड़े हैं, ठीक है, बहुवचन में भी व्यक्ति यहाँ पर चेंज हो गया, यह का ये हो गया है, लेकिन जो व्यक्ति शब्द है वो ऐसा का ऐसा ही है। ठीक है, आगे जगह ए करके आ जब आ जाता है, जैसे बस्ता आगे मात्रा आई है तो इसमें हम क्या लगा देते हैं, खाली ए लगा देते हैं, बस्ता बस्ते, यहाँ पर बिंदी नहीं आएगी, ये गलत हो जाएगा, अगर बिंदी लगा दी तो ये गलत हो जाएगा, जब आ आता है बाद में तो हम उसको ए करके लिखते हैं तो वहां पर बिंदी नहीं आती है, जैसे बस्ता बस्ते, जाला जाले, पंखा पंखे, सोफा सोफे, पर्दा पर्दे, इन पर बिंदी नहीं आती है। ठीक है, जैसे सस्ता सस्ते नीचे भी दिए हैं, ठीक है, इस तरह ए की जगह ए लगाने पर, और जब आ की मात्रा नहीं होती है खाली, जैसे कलम कलमे, नहर नहरे, चादर चादरे, तब बिंदी आती है इन पर। ठीक है, जब आ की मात्रा नहीं होती है तब बिंदी आती है। ठीक है, आगे आगे ए लगाकर जैसे माला मालाएं है ना, सरिता सरिताएं, और छोटी को या में जोड़कर जैसे मूर्ति मूर्तियां, तिथि तिथियां, और जब हम बहुवचन बनाते हैं तो क्या हो जाता है, छोटी मात्रा हो जाती है, मूर्तियां तिथियां विधियां। ठीक है, अलमारी अलमारियां, जैसे यहाँ पर अलमारी में बड़ी की मात्रा, लेकिन जब हम बहुवचन बनाएंगे तो अलमारियां छोटी की मात्रा आएगा, अलमारियां, डाली डालियां, हस्ती हस्तियां, पुत्री पुत्रियां। ठीक है, जब भी हम बहुवचन बनाएंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, छोटी की मात्रा हो जाएंगी, जैसे गली गलियां, दवाई दवाइयां, अब यहाँ पर बड़ी ही है तो ये नहीं कि आप यहाँ पर बड़ी ही लिखोगे, यहाँ पर छोटी ही हो जाएगा, बोली बोलियां, इस तरह आप उनको करेंगे। ठीक है,